एकदम अजमेर शरीफ जैसा गुंबद एकदम बना हुआ है, ठंडा ठंडा कूल कूल पानी, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा मिल गया। ये सब नहीं मिलते थे शहरों में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। आगे देखा जाएगा, बताया जाएगा, उससे पहले एक कहानी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको ये व्लॉग समझ में नहीं आने वाला। तो पहले आप कहानी सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं मिलता हूँ आपसे। कहानी शुरू हुई थी पटना से, जब मैं अपनी फैमिली के साथ यूपी के अकबरपुर पहुंचा। ये ट्रिप बहुत स्पेशल होने वाली थी, वो इसलिए क्योंकि इस ट्रेन जर्नी में बहुत सारी यादें समेटी जानी थी। पटना से दानापुर, फिर आरा और फिर बक्सर के बाद पहुंच गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर। अरे वही अपना मुगल सराय। उसके बाद मिली ठेठ बनारसिया वाली वाई। हम जौनपुर होते हुए अकबरपुर के बाद किशोशा दरगाह पहुंच गए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस लड़के ने ब्लॉग को सीधे किशोशा शरीफ दरगाह से क्यों नहीं शुरू किया। तो भैया ऐसा है कि अगर आप पिछला वाला ब्लॉग जो है वो मिस कर गए होंगे तो मामला और कहानी दोनों ही समझ में नहीं आएगी। तो पिछला वाला व्लॉग देख लीजिएगा, ऊपर में आई बटन में लिंक है, लेकिन उससे पहले इसको जरूर देखिए क्योंकि बहुत मजेदार व्लॉग होने वाला है। तो किशोशा शरीफ जहां मखदूम अशरफ सिमनानी जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह का मजार है, वो सिर्फ मुसलमानों के बीच ही नहीं बल्कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। यहाँ की हवाओं में ही जैसे एक सुकून सा महसूस होता है। तो हम आपको मखदूम अशरफ की दरगाह और नीर शरीफ सबसे आखिर में दिखाएंगे, उससे पहले दरगाह के आसपास क्या क्या है वो दिखाते हैं। तो हम लोग निकल पड़े फकीरा बाबा की दरगाह। पहुंचे हैं फकीरा बाबा ने, फकीरा बाबा हाँ, और यहाँ पर अभी देखते हैं, ज़ियारत करते हैं और क्या कुछ। अजमेर शरीफ जैसा गुंबद एकदम बना हुआ है, चारों तरफ से इस वॉल की बाउंड्री है और उसके अंदर दरगाह है। मान्यता थी कि सिक्का चिपकाने पर अगर चिपक जाता है किसी का तो उसका विश पूरा होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है, देखो उधर, सिक्का चिपकाने वाले पर 100 रुपये जुर्माना है। ये सैयद अमीर मिल्लत उर्फ फकीरा बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में 36 साल एक कमरे में बैठकर इबादत की। अच्छा। ना बाहर आए, ना आसमान देखे, ना कुछ भी नहीं, यही कि चारपाई पे बैठकर अपनी ज़िंदगी पूरी खुदा को याद की। एक ज़माने में इनकी तरह कोई मुकर्रम नहीं थे एक ज़माने में, उसके बाद फिर अल्लाह ने उनको ऐसी तौफीक दे दिया कि वो पर्दा नशीब हो गए। हुज़ूर मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ जाओ, ये इनके बेटे हैं सैयद तनवीर अशरफ रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। ये भी शादी नहीं की, मगर ये तो शादी की है, पूरी ज़िंदगी भर जो है सिर्फ दीन का काम करने में ही ज़िंदगी गुजारे हैं। इनका वाकया तो आप लोगों ने सुन ही लिया कि क्या कुछ है, 36 साल तक ये कमरे में ही रहे। और जो सिक्का चिपकाने वाली बात है वो मिथ है भाई, यहाँ पर सिक्का नहीं चिपकाना है। और मार्बल पर कभी कभी सिक्के चिपक जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फकीरा बाबा के बाद अब कहाँ पहुँचे? पहलवान शहीद बाबा के, पहलवान शहीद बाबा के मज़ार पर पहुँचे। और यहाँ पर दो मज़ार, एक कोतवाल बाबा का और एक पहलवान शहीद बाबा का मज़ार। सुकून दे रहे यार, सुकून, मतलब अल्टीमेट वाली वाइब है यहाँ। वो तो नेचुरल रहेगा ही रहेगा, हाँ। इन जगहों पे नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, सीरियसली। सही है, अभी यहाँ पे चलते हैं, ज़ियारत करते हैं,
और तब तक आप लोग फुटेज देख लें। अब महंगा होगा। हाँ। आप पर इतना करीब से देख लेना। भाई साहब यूपी में पता है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, मतलब इधर गर्मी पड़ने लगी या फिर पहले से ही ऐसी थी? कितने दिन से पड़ रही गर्मी? एक हफ्ते से गर्मी पड़ रही है। यूपी के बादशाह मुर्गे जो तख्त पर बैठे हैं, देखो ठंडा ठंडा कूल कूल है। गर्मी सबसे ज्यादा तुम्ही को लग रही है? बहुत गर्मी है ना? ज्यादा नहीं, देखो दीदी पी रही पानी में, लेकिन बहुत ज्यादा ठंडा मिल गया। फकीरा बाबा और पहलवान शहीद बाबा की दरगाह पर जियारत करने के बाद हम निकल पड़े थे एक ऐसी दरगाह पर जिसे बिलाई बीबी कहा जाता है। अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि बीच में एक देसी स्टाइल में गन्ने का जूस निकाला जा रहा था। फिर क्या था भाई साहब, हम बस वहीं उतर लिए कि पहले गन्ने का जूस पीते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। यहाँ से जो है कि एक और दरगाह है जो कि बिलाई बीबी का, वहाँ पे मजार शरीफ है, तो वहाँ पर हम निकल रहे थे, लेकिन उससे पहले बीच में हम लोग गन्ने का जूस पीने के लिए रुक गए। और देखिए तो पूरे एकदम गाँव वाले स्टाइल में यहाँ पर गन्ना का जूस निकाला जा रहा है। अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट। ये वाली वाइब और कहीं नहीं मिल सकती है। ऐसा गन्ना देखे थे क्या आप जूस? ऐसा कभी नहीं पीते। मशीन है भाई, मशीन। यहाँ से लेके वहां तक एकदम फ्रेश फ्रेश। मशीन से निकला हुआ गन्ने का जूस, वाह क्या बात। ये सब नहीं मिल सकता शहरों में, गांव में मिलेगा भाई। अब जो पेट में ठंडा ठंडा गन्ने का जूस था और मस्त लहलहाती हुई फसलें चारों तरफ, भाई साहब जो मतलब वाइब आ रही थी ना वो बता नहीं सकते हैं। उसके बाद सनसेट हो रहा था, हम लोग आगे बढ़ रहे थे और मुझे मिली थी, पता है, ऑटो में सबसे पीछे वाले सीट पर जगह मिली थी। तो मैं भैया पीछे से ही वीडियो बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। फाइनली हम लोग पहुंच गए बिलाई बीबी के दरगाह पर। यहाँ का कुछ इस तरह का माहौल है ना कि देखिए, ये पूरा तालाब है और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मजार शरीफ है। तो यहाँ के जियारत के बाद अब यहाँ से निकल रहे हम लोग। तो भैया ये वो जगह थी जो मखदूम अशरफ की जो दरगाह है उसके आसपास है। इसमें से एक जगह और हमारे लिस्ट में थी जिसे बैठका भी कहा जाता है, वहाँ पर हम नहीं जा सके। और जिन जगहों के बारे में मैंने बताया, अगर उसके अलावा भी कुछ है तो फिर आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि जितना मुझे पता था, जितना हमें पता था, हम लोग वहाँ पर गए और समय वक्त मुनासिब से था अपने पास, इसलिए और भी जगहों को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लेकिन ये मेन मेन जगह थी जहां पर हम लोग पहुंचे थे। अब आखिर में मखदूम अशरफ की दरगाह पर, जिसे आस्थाना भी कहा जाता है, वहां चलते हैं। एक तालाब जो बिल्कुल हरे रंग का है, जिसके पानी का हरा रंग आपकी आंखों को सुकून देता है, जिसको नीर शरीफ कहा जाता है। इसी तालाब के बीचों बीच है मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्ला अलैह की दरगाह। इस दरगाह पर इतना आलम जुटता है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपना साम्राज्य छोड़कर सुदूर ईरान से भारत आए थे और यहीं पर सूफीवाद को अपनाते हुए अशरफी सिलसिले के बानी हुए। पहले तो यहाँ की जियारत और फिर नीर शरीफ के पानी से नहाना, बस मजा आ जाता है। अगर आप कभी वहां पहुंचिए तो आपको भी मालूम चलेगा कि आखिर क्यों खास कहा जाता है नीर शरीफ को। तो भैया यही था अपना पटना से किशोरशाह शरीफ तक का सफर, जो कि बिहार और यूपी दो स्टेट का हो चुका था। अब पटना लौट आया हूं। कुछ लोग तो इतना सारा कमेंट कर रहे थे कि आखिर कहां गायब हो बेटा, आजकल वीडियो नहीं आ रही है, आपकी वीडियोस का बहुत वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को दिल से शुक्रिया कि उन्होंने वीडियोस का इंतजार किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे। और कुछ कमेंट तो ऐसे भी थे कि बेटा कहाँ मर गए हो, जिंदा भी हो कि नहीं? तो नहीं भैया, जिंदा हैं, आपके सामने हैं, पटना आ गए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब रेगुलर ब्लॉग्स इसी तरह से आते रहेंगे। और
बहुत सारा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फिर अब किसी नए लोकेशन पर किसी नए ब्लॉग में आपसे मिलता है आपका वही साहब। तब तक के लिए धन्यवाद।